सो गाइज वेलकम बैक टू आवर चैनल डायनामिक टेक्नो। गाइज अपना आईफोन पर कैपकॉट एप्लीकेशन को स्टोर में जाके जब सर्च करते हैं तभी आपको दिखाई नहीं देता है दोस्तों, कैपकॉट एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल नहीं कर पाते हैं। क्योंकि दोस्तों इंस्टॉल नहीं कर पाते, ये इंडिया पर बैन है दोस्तों, तभी आपको ये दिखाई नहीं देता अपना ऐप स्टोर पर। एंड्रॉयड फोन में तो दोस्तों इसे जुगाड़ करके एमओडी एप्लीकेशन वगैरह आप एंड्रॉयड फोन में इंस्टॉल कर लेते हैं, लेकिन एमओडी एप्लीकेशन वगैरह ये आईफोन पर काम नहीं करता है, इंस्टॉल नहीं हो पाता है। हालांकि दोस्तों इस टॉपिक में यूट्यूब पर कई सारे वीडियो अपलोड है, लेकिन बहुत सारे लोग सही से नहीं बता पाते हैं या फिर आप जो भी बताते हैं अपना मोबाइल पर काम नहीं करता है। लेकिन दोस्तों जो भी मैं बताऊंगा आपका मोबाइल पर 100% काम करेगा। तो कैसे दोस्तों आपको अपना आईफोन में आपको कैपकॉट एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, आज की इस वीडियो पर मैं आपको पूरी डिटेल पर बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है जी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, मैं स्क्रीन पर आ चुका हूँ, साइट पर आपको देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। पहले यहाँ से मैं ऐप स्टोर पर चले जाता हूँ। ऐप स्टोर पर आने के बाद सिंपल मैं अभी सर्च पर क्लिक करूंगा, यहाँ से लिखूंगा मैं कैपकॉट, एक बार सर्च करके आपको दिखा देता हूँ। कैपकॉट लिखता हूँ यहाँ से, देन यहाँ से सर्च कर लेता हूँ। सर्च करने के बाद दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे दिखाई नहीं देता, यहाँ से एक बार स्क्रॉल डाउन करके दिखा देता हूँ, देखने के लिए मिलेगा दोस्तों यहाँ पे कैपकॉट एप्लीकेशन दिखाई नहीं देता है, यहाँ पे नहीं आता है, ठीक है। तो क्या करना है दोस्तों आपको, अगर नहीं आता है तो जैसे कि यहाँ से मैं कैंसिल कर लेता हूँ। कैंसिल करने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, पहले यहाँ से अपना प्रोफाइल पर क्लिक करके ये जो आपका नेम और नंबर लिखा हुआ है दोस्तों इसमें आपको क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद अकाउंट सेटिंग ओपन हो जाएगा, देन यहाँ से आपको कंट्री एंड रीजन मिलेगा, इसमें आपको क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद थोड़ा सा ये लोडिंग लेगा, देन दोस्तों यहाँ पे चेंज कंट्री रीजन देखने के लिए मिलेगा। चेंज कंट्री और रीजन पर क्लिक करने के बाद देन दोस्तों यहाँ पे जो भी कंट्री को रेंडमली आपको सिलेक्ट करना है, जैसे कि मैं ऑस्ट्रेलिया को कर लेता हूँ, एक बार आपको दिखा देता हूं। ऑस्ट्रेलिया को करने के बाद यहां से आपको देखने के लिए मिलेगा, अभी मैं एग्री करूंगा। एग्री करने के बाद दोस्तों यहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा जो पेमेंट मेथड है दोस्तों, इसमें मिलता है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और पेपल। लेकिन दोस्तों इसमें एक नॉन का ऑप्शन मिलता है, लेकिन इसमें नॉन का ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या करना है, यहाँ से आपको बैक चले आना है। अगर आपका ऑस्ट्रेलिया में नहीं दिखाता है तो आपको बैक चले आना है। देन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा और एक कंट्री आपको सिलेक्ट करना है, जैसे कि मैं कनाडा को कर लेता हूँ। कनाडा को यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से एग्री कर लेता हूँ ऊपर में। एग्री करने के बाद दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा अभी यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पेपल और नॉन का एक ऑप्शन यहाँ पे मिल चुका है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, जब भी आप ऑस्ट्रेलिया सिलेक्ट करते हैं या फिर दूसरा कंट्री कोई भी आप सिलेक्ट करते हैं, तभी आपको नॉन का ऑप्शन नहीं मिलता है, तभी आपको दूसरा कंट्री को सिलेक्ट करना है। देखने के लिए मिलेगा मैं अभी कनाडा को अभी सिलेक्ट करने के बाद अभी नॉन का ऑप्शन अभी आ चुका है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया पर अभी नहीं आ रहा था, देखने के लिए मिलेगा। इस तरीके से आपको नॉन का ऑप्शन को आपको मिलेगा, ठीक है जी। सिंपल अभी मैं जो कनाडा का टेरिटरी है इसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा, नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज को मैं अभी सिलेक्ट करके डन करूंगा। जो भी कंट्री का आपको फिलअप करना है दोस्तों, जो भी कंट्री में आपको नॉन का ऑप्शन दिखाई देता है, एड्रेस आपको फिल करना है, बिलिंग एड्रेस, तो आपको क्या करना है सिंपल, आपको अगर नहीं पता है कुछ भी, सिंपल गूगल पर जाके दोस्तों वो कंट्री का कैपिटल आपको ढूंढ लेना है। कैपिटल ढूंढने के बाद आपको देखने के लिए मिलेगा दोस्तों वो कैपिटल का आपको स्ट्रीट वगैरह, सिटी वगैरह, पिन कोड वगैरह आपको यहाँ पे लिख लेना है, उसमें सर्च कर लेना है, तो देन आपको मिल जाएगा उसमें, ठीक है। स्ट्रीट पर मैं नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज कर लिया हूँ, देन यहाँ पे स्ट्रीट को ऑप्शन वाले छोड़ देता हूँ, मैं सिटी पर येलो नाइफ कर लेता हूँ। देन यहाँ से ये जो प्रोविंस टेरिटरीज है दोस्तों, उसको मैं उस हिसाब से मैं सर्च किया था। करने के बाद अभी यहाँ पे पोस्टल कोड यहाँ से आपको डाल देना है, आपको मिल जाएगा। देन यहाँ पे फोन नंबर पर दोस्तों यहाँ पे ये ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट आपका होगा, अगर आपका नहीं होगा तो दोस्तों आपको यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डाल देना है। डालने के बाद दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा, यहाँ से आपको नेक्स्ट करना है। चलिए मैं भी नेक्स्ट कर लेता हूँ। सारा यहाँ पे फिलअप करने के बाद आपको सिंपल नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा अभी एक बार, चलिए अभी आ चुका है। आने के बाद मैं सिंपल क्या करूँगा, सर्च करूँगा। सर्च पर क्लिक करने के बाद अभी सर्च बार पर लिखूँगा कैपकॉट, चलिए अभी लिख लेता हूँ कैपकॉट। कैपकॉट लिखने के बाद अभी आपको देखने के लिए मिलेगा दोस्तों अभी कैपकॉट आ चुका है। इसमें क्लिक करके गेट पर क्लिक करूँगा, देन यहाँ से मैं जो कन्फर्मेशन होता है फेस आईडी दे देता हूँ। देने के बाद आपको देखने के लिए मिलेगा दोस्तों अभी डाउनलोड पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद यू कैन सी अभी ये डाउनलोड हो रहा है दोस्तों, आपको देखने के लिए मिलेगा, यू कैन सी डाउनलोड हो चुका है। देन यहाँ से मैं ओपन करूँगा दोस्तों। अगर आपका कैपकॉट नहीं चलता है, कोई भी इफेक्ट वगैरह नहीं आता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि कैपकॉट में कोई भी इफेक्ट वगैरह नहीं आता है तो आपको कैसे वो इफेक्ट को आपको लाना है वो भी बताता हूँ। एग्री वगैरह कर लेना है दोस्तों, आपको अलाउ करके एग्री एंड कंटिन्यू करूँगा। देन यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करूँगा दोस्तों, यहाँ से मैं अलाउ फुल एक्सेस पर क्लिक करूँगा। देन यहाँ से जो भी एक विजुअल को मैं अभी ले लेता हूँ,
लेने के बाद यू कैन सी दोस्तों, अभी मैं जैसे कि इफेक्ट पर क्लिक करूंगा, तो अभी मैं इफेक्ट पर क्लिक करता हूं, वीडियो इफेक्ट पर क्लिक करूंगा, तो अभी यहां पे नो इंटरनेट कनेक्शन कनेक्ट टू द इंटरनेट लिखा हुआ आता है यहां पे। तो कहने का मतलब है दोस्तों यहां पे नो इंटरनेट लिखा हुआ आता है, यानी कि इफेक्ट वगैरह दिखाई नहीं देता है, हालांकि इंटरनेट ओपन है, ऑन है। तो एक VPN दोस्तों आपको एप स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, जैसे कि मैं VPN को अभी मैं ऑन कर लेता हूं। ये VPN आपको देखने के लिए मिलेगा, पावर VPN आपको एप स्टोर से जाके इंस्टॉल कर लेना है। देन यहां से ऑन करने के बाद ये कनेक्ट हो जाएगा, होने के बाद दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा, फिर से इसको क्लियर कर लेता हूं मैं, यानी कि क्लियर करने का फिर से मैं भी कैपकॉट को ओपन करता हूं। कैपकॉट को ओपन करने के बाद प्रोजेक्ट पर क्लिक करूंगा, न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद इसमें ऐड करूंगा। देन आपको देखने के लिए मिलेगा दोस्तों, अभी मैं फिर से इफेक्ट पर चले जाऊंगा, आने के बाद वीडियो इफेक्ट पर आऊंगा, तो देखने के लिए मिलेगा दोस्तों अभी यहाँ पे जो जितना भी आपका इफेक्ट होता है कैपकॉट में मिलता है, वो सारा इफेक्ट अभी शो हो चुका है। आपको कैसे इंस्टॉल करना है दोस्तों कैपकॉट, अगर आपका एप स्टोर में शो नहीं करता है तो कैसे आपको इंस्टॉल करना है, और आपका नहीं चलता है इफेक्ट पर, आपका दिखाई नहीं देता है तो कैसे इफेक्ट को भी आपको लाना है, पूरी वीडियो में आपको डिटेल पर बता दिया हूँ। इस तरीके से दोस्तों अपना आईफोन पर करने के बाद आप भी कैपकॉट को चला सकते हैं अपना आईफोन में। ऑलराइट।